हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वीडियो पे जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया था, हम लोग साड़ी शॉपिंग के लिए निकले थे, बट उस दुकान पे हम लोग को साड़ी पसंद नहीं आया। तो फिर हम लोग को मॉल भी जाना था, मेरा भैया के बेटे को मॉल पे जाना था, तो हम लोग आ गए सिलचर का गोल्डी की मॉल पे। बहुत सुंदर है, और जो सिलचर पे है उन लोग को तो पता ही है कि हाँ गोल्डी की मॉल, और जो आते जाते रहते उन लोग को भी पता है। तो सिस्टर ने बोला गोल्डी की मॉल पे भी एक साड़ी का शॉप है, बहुत सुंदर सुंदर साड़ी मिलता है उधर। तो हम लोग बोले चलो चलते हैं, तो उसी दुकान पे ले लेंगे। मॉल पे जा रहे हैं तो बाहर बार बार कहाँ ढूंढना। देखिए हम लोग उठ रहे हैं इस साइड से, तो मेरा सिस्टर उस साइड से उठ रही है, दीदी मैं और मेरा भैया का बेटा इधर से उठ गए। और देखिए ये स्मार्ट बाज़ार है, तो हम लोग डिसाइड किया कि स्मार्ट बाज़ार जाएंगे, पहले कुछ सामान देखेंगे। उससे पहले थोड़ा एक राउंड लगा लेते हैं, उसके बाद ही साड़ी शॉपिंग करेंगे। राउंड लगा के स्मार्ट बाज़ार जाएंगे, कुछ सामान देखेंगे, उसके बाद ही साड़ी शॉपिंग करेंगे। तो देखिए ट्रेंड्स फुटवेयर, मतलब बहुत सारा शॉप है इधर, अच्छा लगता है एक ही मॉल पे आने से, मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा। और वही देख रहे हैं, घूम रहे, बातें कर रहे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी ये वीडियो शेयर करूँगी बोल के आप लोग के लिए रिकॉर्ड करने लग गई। तो देखिए फाइनली हम लोग डिसाइड कर रहे कि नहीं पहले चलो स्मार्ट बाज़ार चलते, कुछ सामान देखते। तो सिस्टर बोले क्या आप बहुत कुछ खरीदेंगे, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, थोड़ा बहुत देखते, पसंद आया तो खरीदेंगे। देखिए बैग हो गए स्मार्ट बाज़ार के लिए, तो हम लोग स्मार्ट बाज़ार जाने के लिए फिर से देखिए बैग हो के देखो, भैया का बेटा कुछ बोल रहा था मुझे, तो मैं पीछे की तरफ देख रही थी। तो चलिए देखिए मैं स्मार्ट बाज़ार के अंदर आ गई, बहुत भीड़ था स्मार्ट बाज़ार, फिर भी मैं मतलब सामान मतलब जहाँ भीड़ था उस साइड हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया, जहाँ हो सके वहीं रिकॉर्ड किया। मैं भी तो नया नया हूँ ना, कुछ मतलब बस अच्छा नहीं लगता ना इतना सारा लोगों के बीच फट करके रिकॉर्ड करना। ये ऐसे तो कुछ ख़रीदा नहीं हम लोग ने, फिर भी आप लोग के लिए मैं ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। ज़रूरत का सामान था, कुछ लूँगी सोची थी, फिर मुझे पसंद नहीं आया, तो आप लोग के लिए ही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो देखिए बहुत कुछ ज़रूरत का सामान है, बहुत सुंदर सुंदर है। देखिए ये सब बोटल 99 करके ऊपर का, देख देख के रेंज अपना अपना देख देख के क्वालिटी के हिसाब से रेट भी है। इस साइड देखिए यह सब सुंदर लगता है ना, जितना देखो उतना ही अच्छा लगता है, सामान लेने का दिल करता है, लेकिन ले लेके क्या करेंगे, मतलब जमा होते रहता है, कुछ ना कुछ लेते रहते ना हम लोग जाके, लेकिन इस बार नहीं लिया स्मार्ट बाज़ार से कुछ भी हम लोगों ने। तो देखिए ये सब है, आप लोग देखते रहिए, बहुत सुंदर सुंदर है। देखिए इसमें एक सेट है पूरा, ये केक, हाँ वो जो मेजरमेंट करने वाला केक बनाते वक्त वो सब सेट है। इधर कुछ बुक्स, हाँ बुक्स कॉपी सब है, भैया का बेटा देखेगा बोल रहा था, तो मैं वही देख रही थी, 10% ऑफ था इधर, तो देखे लेकिन लिया नहीं। बाहर भी मतलब मिल जाता है, ज़रूरत नहीं था इस चीज़ का, इसलिए हम लोग लिए नहीं। तो देख आप लोग देखते रहिए वीडियो।
तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग स्मार्ट बाज़ार से बाहर निकल आए और निकल के सिस्टर को बोली किस साइड है साड़ी का दुकान, मुझे तो आइडिया नहीं था ना इधर, तो वो बोली चलो साड़ी का दुकान पे चलते और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो देखिए सिस्टर आगे आगे जा रही है और भैया का बेटा, मैं और दीदी पीछे पीछे। तो देखिए इस साइड बहुत सारा ब्रांड्स है इस मॉल पे, सिलचर पे भी आजकल बहुत कुछ मिल जाता है, पहले का तरह नहीं है सिलचर, बहुत लोगों को लगता है ना छोटा है सिलचर, लेकिन बहुत सुंदर है सिलचर और बहुत प्यारा। देखिए फाइनली हम लोग साड़ी का दुकान पे आ चुके हैं और देखिए चारों तरफ इधर साड़ी का कलेक्शन बहुत, मतलब बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्यारा प्यारा है। तो हर किसी का अपना चॉइस रहता है ना उसी तरह से। देखिए सिस्टर मुझे दिखा रही थी ये ग्रीन साड़ी, तो ये सॉफ्ट है देखिए ना बोल के कैसा लग रहा है कैसा नहीं। देखिए ये रेड, ये ब्लू कलर का, और दीदी उधर चुपचाप खड़ी है और देख रही है। दीदी के साथ भी बातें कर रहे थे कि कैसा है साड़ी, बोल रही थी कलेक्शन बहुत सुंदर है, इधर का कलर भी सुंदर है। देखिए फूफू के लिए देख रही थी, दार्जिलिंग वाली फूफू के लिए, मजली फूफू हम लोग का। तो देखिए सिस्टर वो साड़ी उधर से भी निकाल रही है और भी, और ये भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे साड़ी निकाल के दिखा रहे थे, ऑप्शन हम लोग को बहुत बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहे थे कि ये भी हो सकता है आप लोग ले सकते हैं, वो भी, मतलब ये भैया भी अच्छे थे जो दिखा रहे थे साड़ी हम लोग को। तो देखिए मैं वीडियो आप लोग के लिए शूट कर रही थी, तो फिर मैंने बोला भाई का बेटे को, भैया का बेटे को कि थोड़ा शूट कर दो वीडियो, तो वो मोबाइल लेके खड़ा हो गया, तो मैं भी साड़ी देखने लग गई। तो देखिए मेरे सिस्टर और मैं बातें कर रहे हैं कौन सा कलर अच्छा लग रहा कौन सा नहीं, साड़ी का मतलब कपड़ा भी कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। वो देखिए वो भैया बहुत सारा निकाल के दिखा रहे, और देखिए ये रेड और वाइट में मेरे सिस्टर को बहुत पसंद आ गया साड़ी, तो ये वाला साड़ी, हाँ ये वाला ही साड़ी शायद मेरा सिस्टर ने लिया पूजा वूजा में पहनने के लिए, तो मुझे भी सुंदर लगा, मैं तो साड़ी उतना पहनती भी नहीं हूँ, मेरा सिस्टर पहनती है, तो वही साड़ी ले, ये वाला लेगी खुद के लिए, तो फूफू लोग के लिए अभी हम लोग मतलब देखेंगे। तो साड़ी तो लेते हैं, चार साड़ी लेते हैं, लेकिन आप लोग को दिखाना मतलब मैं भूल गई, और अभी तो दिखा भी नहीं पाऊँगी फिलहाल कि दीदी लोग ये वीडियो मतलब बहुत लेट में अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि दीदी लोग जा भी चुके हैं दार्जिलिंग से आके, हम लोग को घूमना फिरना ऐसे करते हुए ये सब मतलब वीडियो शूट करना मतलब याद भी नहीं रहा। दीदी लोग के साथ थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया है, वो सब मैं डालूंगी आप लोग के लिए, मैं यूट्यूब पे डालूंगी मेरे चैनल पे, तो आप लोग देखिएगा। लेकिन ये साड़ी का मतलब कौन सा साड़ी ख़रीदा कैसा ख़रीदा वो सब मतलब दिखाना मैं भूल गई। देखिए इधर दुकान में चाय भी हम लोग को ऑफर कर रहे थे, तो हम लोग ने बोला नहीं हम लोग चाय नहीं पियेंगे। और देखिए फाइनली हम लोग साड़ी खरीद के शॉपिंग हो गया, वो देखिए सिस्टर के हाथ में बैग है, तो शॉपिंग करके हम लोग घर के लिए निकल पड़े, लेट हो चुका था इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहे थे, और छोटा मोटा मैं वीडियो ये वाला शूट किया। तो अगर मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक, बाय।